गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि क्लास 7 के लिए विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 8 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा दापक का नाम लिखेंगे। आज हम त्रिभुज और उसके गुण देखेंगे। आपको नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताना है कि ये सही है या गलत है। त्रिभुज की एक भुजा एक रेखा होती है तो नहीं, फिर है किसी त्रिभुज की ऊंचाई और मध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है तो हर स्थिति में सेम नहीं होती, कभी कभार अलग भी होती है, तो ये भी गलत है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो हाँ जिस त्रिभुज की आप देखिए एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में आपको त्रिभुज के भागों के नाम बताना है। तो ये आपका कोण होता है और ये आपकी भुजा होती है, कोण भुजा, और ये आपका शीर्ष होता है, तो आप इसमें शीर्ष कर लेंगे। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो दोनों बात एक ही बात बताइए, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट आपको एक दे रखी है, तीन विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को काटें, चांदा का उपयोग करके उसके कोणों को मापिए, तालिकाओं को पूरा करिए, दिए गए स्थान में अपना प्रेषण करें। तो आप इसमें हम लिख सकते हैं एंगल 160 का, एंगल 17, एंगल 270 का, एंगल 3 हमारा 50 का, इन तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। फिर इसमें आप देखिए तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तो ये हमारा 60 60 और 60 का एंगल बनेगा और तीनों का सम 180 आ जाएगा। इसमें आप देखिए दो एंगल सेम है, एंगल 1 हमारा 40 का हो जाएगा, दोनों एंगल सेम है तो हम इसे कह सकते हैं 70 और 70 के, और इन तीनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ठीक है, तीनों कोणों का माप योग करने पर आपको लगभग 180 प्राप्त हो रहे हैं। हम नीचे दिए गए गतिविधियों का उपयोग करके एक स्थापित करते हैं। यहाँ पे आपको एक विधि दे रखी है, पहले मैं आपको एक समझा देती हूँ। आपको एक ट्रायंगल लेना है, इसका एंगल 1 दे रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3। अब इसके ये जो पार्ट है इसे कट कर लेना है, ऐसा का भाग आप कट करेंगे, तीनों को एक साथ एक लाइन पर रखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा, तो ये आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसे करेंगे, किसी भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तभी हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। कागज़ के एक टुकड़े को प्रयोग त्रिभुज APAC काट लें, कोणों 1 कोण 2 कोण 3 नाम दें, अब कोणों को रंग दें। इसके बाद त्रिभुज के तीन कोणों में इस प्रकार काट लें कि प्रत्येक भाग में कोना आ जाए। चित्र में दर्शाए अनुसार तीनों कोणों को सीधी रेखा के अनुसार व्यवस्थित करें। आप पाइएगा कि तीनों कोणों का एक सीधा कोण बनेगा, इसलिए हम कह सकते हैं एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए प्रश्न के आंसर करते हैं। त्रिभुज की आकृति दे रखी है, एक्स का मान ज्ञात करिए। तो आपको इनमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको पता है एक्स प्लस 45 प्लस 30 करेंगे, यानी तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। 45 प्लस 30 करेंगे तो हमारा 75 हो जाएगा, तो x प्लस 75 इक्वल में 180 डिग्री। तो 75 यहाँ पे प्लस का है तो x इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पे प्लस का उधर के माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 75 करेंगे तो 105 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 105 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है, अब इसमें देखिए अगर हमारे किसी भी ट्रायंगल के अंदर बाहर अगर कोण बन रहा है तो उसके सामने जो यानी उसके जो अपोजिट जो ट्रायंगल के जो अंदर वाले एंगल होते हैं उन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। तो 60 प्लस 65 करेंगे इक्वल हमारा एक्स हो जाएगा, 60 प्लस 65 हमारा 125, तो एक्स की वैल्यू हमारी 125 हो जाएगी, तो आप इसे 125 लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपके दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो x और x है यानी दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर होगी, यानी x प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री इक्वल में हमारा 180 डिग्री होगा। तो x प्लस एक्स करेंगे तो 2x प्लस में 110 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री हो जाएगा, तो 110 हमारे यहाँ पे प्लस में है, इधर आके हमारा कैसे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 करेंगे तो 70 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री।
एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 17 अपॉन में टू, 17 से टू कट रहा 35 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 और इधर भी 35, तो दोनों एंगल हमने निकाल लिए, तो ये आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए आंतरिक कोणों का त्रिभुज बन सकते हैं या नहीं। तो अब देखिए आपका जो पहले का है उसका तो नहीं बनेगा, दूसरे का बन जाएगा, तीसरे का भी बन जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप 90 और प्लस में 55 प्लस में 45 करेंगे तो हमारा ये 190 होगा, जो कि 180 डिग्री के बराबर नहीं है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, और 180 डिग्री से ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो ये आपका नहीं होगा, तो आप इसमें नहीं लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, इसमें 80 डिग्री प्लस में 35 प्लस में 65 करेंगे तो ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसमें आपका हाँ बन सकता है, तो आप इसमें हाँ त्रिभुज बना सकते हैं, ये लिख देंगे। थर्ड है 100 प्लस 35 प्लस 45, तो इन तीनों का सम भी करेंगे हम तो ये भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसमें हम लिख देंगे हाँ त्रिभुज बना सकते हैं, तो आप ये भी लिख देंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।